मेरा नाम गीता सक्सेना है। मैं कक्षा 6 की हिंदी लिटरेचर का पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना और इसके लेखक का नाम है शाहिर लुधियानवी। बच्चों, हमने पहले भी आपको बताया था कि इस कविता को गीत के माध्यम से दर्शाया और बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर किसी काम को हम अकेले करते हैं तो वो काम आसान नहीं होता, और जब हम मिलकर काम करते हैं तो वह काम हमारे लिए सरल हो जाता है। तो इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। बच्चों, पहले लेक्चर में हमने आपको पहला पैराग्राफ का अर्थ समझाया था और आज हम आपको दूसरा पैराग्राफ समझाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी का खातिर करना। इसका अर्थ है मेहनत हमारा भाग है, मेहनत हमारा भाग बदल देती है। तो मेहनत हमारा भाग है, यही हमारा जीवन संवारेगी। हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए, हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए, बल्कि और अधिक मेहनत करनी चाहिए। गुलामी के दिनों में हमारी मेहनत का लाभ दूसरे लोग उठाया करते थे, हमसे मेहनत मजदूरी करवाते थे और मालिक लोग जो होते थे वो उसका फ़ायदा उठाते थे। लेकिन आज हम आज़ाद हैं और हमारी मेहनत ही हमारी तरक्की के द्वार खोलेगी। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाँ पढ़ाना। इसका अर्थ है कि अब हमारा सुख और दुख एक है, हमें अब अच्छाई की राह पर चलते हुए सत्य की मंजिल तक पहुंचना है। इसके लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम सत्य की मंजिल तक पहुंच सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर सकते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। इसका अर्थ है कि एक एक बूंद जब पानी मिलती है तो वह नदी का रूप ले लेती है, और जब एक एक कण मिलता है तो रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। इसका अर्थ है बच्चों, अब हमारा सुख दुख एक तो है ही, लेकिन यदि हम एक एक इंसान मिल जाएं तो वह अपनी किस्मत पर भी अधिकार कर सकता है, क्योंकि हमारा सुख दुख एक है। एक एक कण जब मिलता है तो पर्वत बन जाता है, वैसे ही एक एक राय मिले तो वह पर्वत का रूप ले लेती है। ऐसे में यदि एक एक इंसान मिल जाए तो अपनी वह किस्मत बदल सकता है और अपनी किस्मत पर अधिकार पा सकता है। बस इसके लिए केवल हमें साथ मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। जब हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और हम अपनी किस्मत को भी अपनी मेहनत से बदल सकते हैं। बच्चों, तो आपको इस कविता के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि इस कविता में क्या बताया गया है। तो इस कविता में जैसे बताया गया है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, मिलजुल कर काम करने से हमारा काम आसान और सरल हो जाता है। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको इस कविता का पूरा अर्थ समझ में आ गया होगा, और जितने भी हमने इसमें शब्दार्थ पर टिक लगाए हैं, निशान लगाए हैं, ये सब आप अपनी रफ कॉपी पर लिखेंगे और उसे बार बार दोहराएंगे, ताकि जो आपके कठिन शब्द हैं उसे आप आसानी से पढ़ सकें। धन्यवाद।